सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कार इंश्योरेंस के बारे में। आपको कौन सा कार इंश्योरेंस कराना चाहिए, कहाँ से कार इंश्योरेंस कराना चाहिए, किस तरीके से आपको क्लेम मिलेगा, क्या क्लेम मिलेगा भी या नहीं, आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना चाहिए या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना चाहिए, और अगर आपने ऑनलाइन इंश्योरेंस किया तो क्या उसकी पॉलिसी मिलेगी या फिर डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्या हम उससे चलान से बच सकते हैं या फिर नहीं, तो आपके मन में जितने भी ये क्वेश्चन हैं उन सारों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कार है तो आपको कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई सी भी कार है, आपको हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही कराना चाहिए। आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, कार का एक्सीडेंट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और खासकर उसका बम्पर टूटना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर आप अपनी कार को थोड़ा सा भी चलाते हैं ना, तो उसका बम्पर टूटना तो आप ये सोच लीजिए कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपके कार का बम्पर टूटता है ना, तो कम से कम 3000 से लेकर 4000 रुपये के बीच में उसका बम्पर का जो प्राइस है वो आपको मिलने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लिया ना, तो आपको 3 से 4000 रुपये अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराया तो आपको यहाँ पे 50% तो कंपनी देगी, प्लस 50% आपको अपनी जेब से देना है। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए। देखिए, अगर आप कारों के बारे में जानते हैं और आपको मार्केट के बारे में पता है, तो आप ये बात भी भली भांति जानते होंगे। अगर आपकी कार की जो मार्केट वैल्यू है वो अभी 2 लाख है, और अगर आपने अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लिया, तो आपकी गाड़ी का 30,000 रुपये लगभग डाउन हो जाएंगे। अगर ये बात 100% सही है, अगर आपको कार की मार्केट के बारे में पता है और आपने अपनी गाड़ी के जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा लिया, तो आपकी गाड़ी के लगभग 30,000 रुपये डाउन हो जाएंगे उसकी मार्केट वैल्यू। क्योंकि दोस्तों, जो भी कारों के बारे में जानता है ना, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आप कार का इंश्योरेंस कराएं तो हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ही आपने कराना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपको कार का इंश्योरेंस कहाँ से कराना चाहिए, क्या आपको कार का इंश्योरेंस ऑनलाइन कराना चाहिए या नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी कार जिस भी कंपनी की है, चाहे आपने वो न्यू कार ली हो या फिर आपने सेकंड हैंड ली हो, अगर आपकी कार जोन सी भी कंपनी की है, आपको क्या करना है, आप उसी कंपनी के नज़दीकी शोरूम में जाइए और वहाँ पर उनका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, आप उनसे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करा लीजिए। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस अगर आप वहाँ से कराते हैं तो क्लेम लेने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि शोरूम वाले आपकी कार का इंश्योरेंस उसी कंपनी का करेंगे जिसके साथ उनका टाई अप है, जिससे कि आपको क्लेम लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आप मेरे को कहोगे कि यार, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपकी कार का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 4,000 रुपये का है, और अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लोगे उसी कार का, तो लगभग आपको 3,200 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि लगभग 800 रुपये का फ़र्क होने वाला है। वो 700-800 रुपये फ़र्क के चक्कर में आपको जब भी एक्सीडेंट होगा तो उसका क्लेम भी नहीं मिलेगा, आपको जो एक्सीडेंटल बीमा मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको क्या कराना है, हमेशा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना है, प्लस आपको अपना पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर करा लेना है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर कराने का जो खर्चा होता है वो है लगभग 300 रुपये से लेके 400 रुपये के बीच में, जिसमें 15 लाख रुपये का कवर हमें मिलता है। तो आपने एक बात ध्यान रखना है कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस प्लस अपना पर्सनल कवर जरूर करा लेना है। और जब तक आप उनको नहीं कहोगे कि मेरे को अपना पर्सनल कवर भी कराना है, तो तब तक वो आपका पर्सनल कवर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये पता लग गया है कि आपको अपनी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना है। दूसरी बात, आपकी जो भी कार की एजेंसी है, आपको उसके नज़दीकी शोरूम जाना है और वहां से ही जाके आपको इंश्योरेंस कराना है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार, मेरी तो कार चलती ही नहीं है और मेरे को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही कराना है, तो यार बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज हैं, चाहे आप कोको ले लीजिए या फिर आप पॉलिसी बाजार पर जाइए। पॉलिसी बाजार पर जाने के बाद आप आराम से कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, और पॉलिसी लेने के बाद आपका कार का इंश्योरेंस हो जाएगा। अब बहुत सारे कस्टमर्स के दिमाग में एक सवाल है कि क्या मेरे को उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे या नहीं। दोस्तों, आपको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट मिलेंगे विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर ही policybajaj.com कोरियर के थ्रू उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो भेज देगा।
तो आप अगर ये सोचते हैं कि मैंने ऑनलाइन पॉलिसी ली तो क्या उसका मेरे को डॉक्यूमेंट मिलेंगे या नहीं, तो 100% उसका डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और अगर आपको नहीं भी मिलते तो आप ऑनलाइन प्रिंट निकलवा सकते हैं, जो आप प्रिंट निकलवाओगे वो 100% वैलिड होगा। अगर आप कहीं पे भी चलान से बचना चाहते हैं तो वो भी आपका वैलिड होगा, और अगर आपके गाड़ी पे कोई भी दिक्कत आती है, थर्ड पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो तब भी आपका जो क्लेम है वो 100% वैलिड होगा, जो कि आपने इंश्योरेंस करा रखा है। तो लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस अभी तक नहीं कराया है और आप कराने की सोच रहे हैं, तो आपने दो चीज़ ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना है, दूसरी बात यह है कि आपको उसमें पर्सनल कवर जरूर करा लेना है। तीसरी बात दोस्तों, आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपने नवे कार ली है तो उसका एसेसरी कवर भी जरूर करा लेना इंश्योरेंस में। और इसी तरीके से बाइक है, अगर आपने बाइक का भी कोई इंश्योरेंस कराना है तो उसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराइएगा, जहाँ से आपने बाइक ली है और वहीं से इंश्योरेंस कराइए, ताकि आपको क्लेम लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपकी बाइक स्पोर्ट्स बाइक है और उसके अंदर एसेसरी ज़्यादा है, तो 100% उसकी एसेसरी भी उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर कराइएगा, ताकि आपको एसेसरी अगर टूट भी जाती है तो उसका कवर मिल जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स खुली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी ऐसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।